आंखें अभी भी दरवाजे पर राह तक रही होगी। वो माँ बेटे की प्रतीक्षा में रातें जग रही होगी। पता नहीं लिखने वाले ने ये क्या ही सोच कर लिखा होगा, लेकिन इसके एक एक शब्द आज दार्जिलिंग के रहने वाले 26 साल के शहीद ब्रजेश थापा के घर की चौखट पर जाकर सत्य साबित हो रहा है। क्या बोल सकते हैं हमें, क्या रिएक्शन तो क्या हो सकता है ना। अपने बेटा को गुमी कर दिया, अभी तो आएगा भी नहीं कभी वो वापस। माँ जानती है बेटा ब्रजेश अब लौट कर नहीं आएगा। उनके पिता जानते हैं कि आर्मी में रहकर देश के लिए खुद को न्यौछावर कर देना बहुत बड़ी बात होती है। और चाचा भी जानते हैं कि भतीजा देश के लिए अपनी जान दे चुका है। साथ ही पूरा दार्जिलिंग और देश जानता है कि ब्रजेश ने आतंक से लोहा लेते हुए अपनी जान गंवा दी और सर्वोच्च बलिदान को प्राप्त किया। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ हुई। इसी मुठभेड़ में ब्रजेश थापा आतंकियों के निशाने पर आ गए। परिवार के लोगों से रविवार को आखिरी बार बातचीत हुई और मंगलवार को एक साथ सेना के 5 जवान आतंकियों के साथ लड़ते लड़ते देश के लिए जान दे बैठे। ब्रजेश के माता पिता की बातें आंखों में नमी और सीने में दहक पैदा करती है। ये भी सच है कि किसी माँ और पिता को ये यकीन करने में तो वक्त भी लगता है कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। You see, my son was always, he wanted to be in the army. Right from the childhood, he used to, you know, I said he used to wear my army dress and go around and he used to feel good. And even after he done his engineering, which is a B.Tech, but still he was bent on going to the army only. And he did not, he was so much into that, he wanted to go to the army. He had a liking for army so much that he did not prepare much, still he got through all the tests in the army, including the SSV. He cleared it in one go, in his batch of about, I think, 60 people. ट्रेनिंग पूरा होने के बाद साल 2019 में ब्रजेश आर्मी में कमीशन्ड हुए थे। पहले 2 साल के लिए तैनाती हुई थी 10 राष्ट्रीय राइफल्स में। ब्रजेश आर्मी में ही जाना चाहते थे, ये उनकी जिद और जुनून दोनों में ही बसा हुआ था। कैप्टन ब्रजेश थापा ने वैसे तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन मन में सिर्फ एक ही बात थी कि आर्मी में जाए। कैप्टन ब्रजेश की ये जिद पूरी भी हुई, लेकिन 15 जुलाई 2024 के दिन एक फोन कॉल ने कुछ घंटों के लिए कैप्टन ब्रजेश थापा के घर में सब कुछ जैसे रोक सा दिया। माँ और पिता को कुछ घंटों के लिए इस बात पर यकीन भी नहीं हुआ, लेकिन सच को कौन बदल सकता है। दार्जिलिंग की हवा में ये बात हमेशा के लिए दर्ज हो गई कि शहर का एक लड़का देश के लिए खुद की जान को न्यौछावर कर बैठा। गर्व तो होता ही है ना, देश के लिए कुछ किया उसने, है ना, तो देश के लिए तो कुछ किया हुआ तो गर्व तो होता ही है। ये है कि उसके अलावा फिर उसको हमने, अभी वो हमसे दूर गए ना काफी, उसके लिए भी हो सकता है सख्त कार्रवाई करना। वो तो करना तो चाहिए, अभी वो तो करेंगे, गवर्नमेंट करेंगे भी। अभी ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट ऐसे बैठेंगे, वो लोग करेंगे। ऐसे भी कल से ज़्यादा डिप्लॉय हो रखा है वहाँ पे, अभी तो करेंगे। बट वही है कि अनफॉर्चुनेटली हमारा उसके साथ हुआ तो फिर भी। शहीद कैप्टन ब्रजेश की मां नीलिमा पुराने दिनों में खो गई है। उन्हें याद है कि जिस दिन को लोग आर्मी डे के नाम से जानते हैं, उसी दिन शहीद ब्रजेश का जन्मदिन होता है। 15 जनवरी को बेटे का जन्मदिन था, 15 जनवरी को ही आर्मी डे होता है। मेरा बेटा आर्मी की ड्यूटी करते हुए देश के लिए समर्पित हो गया। सेना में होने का उसको गर्व था। उसके पापा ने भी कहा कि नेवी में चले जाओ, लेकिन वो नहीं माना। आर्मी में ही ज्वाइन करने की उसने जिद ठान ली थी। अब वो कभी लौट कर नहीं आएगा। एक माँ के दिल पर ये बात बार बार चोट करती होगी कि उनका बेटा सिर्फ 26 साल का था। जी, सिर्फ 26 साल का। आखिरी मुलाकात की तस्वीर माँ की आंखों में छपी हुई है, जहन में सारी बातें बसी हुई हैं, एक एक शब्द कान में फिर से घुल रहे हैं।
लेकिन पुरानी यादों का क्या है, वो तो सिर्फ यादों में ही रह जाती है। मार्च के महीने में घर आया था, इसी महीने फिर से घर आने वाला था। वो हमेशा खुश रहता था, बिल्कुल सादा खाना खाता था। मीठा इसलिए नहीं खाता था कि मोटा हो जाएगा। किसी न किसी को तो जान देनी ही होती है, कोई तो बॉर्डर पर जाएगा। अगर कोई लड़ेगा नहीं तो दुश्मन कैसे हारेंगे। शहीद कैप्टन ब्रजेश थापा अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। आखिरी बार अपने माँ और पिता से बात करते हुए उन्होंने जिक्र किया था कि उन्हें लगातार 7 घंटे तक चढ़ाई करके ऊपर की तरफ जाना है। ये उनका तकरीबन डेली रूटीन था, लेकिन किसी को क्या ही मालूम था कि यही उनकी आखिरी चढ़ाई होगी। देश के लिए शहीद होना बड़ी बात होती है, लेकिन उससे भी बड़ी बात होती है कि शहीद के परिवार इस बात को गले से लगा ले कि आतंक के खात्मे के लिए उन्हें सब कुछ मंजूर है।